तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट वायरल फैन के बारे में। मतलब यूट्यूब पर देख लो, इंस्टाग्राम पर देख लो, कहीं भी देख लो, इस फैन की आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये है हमारा मिनी कूलिंग फैन। और भाई सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके प्राइस के बारे में। यहाँ पर जो अमेजोन पर आप देखोगे इस फैन को 2500 रुपये में भी बेच रहे हैं, इस फैन को 2000 में भी बेच रहे हैं, 1500 में भी बेच रहे हैं, 1000 में भी बेच रहे हैं, यहाँ तक कि 850, 900, सबसे कम जो मैंने प्राइस देखे थे वो देखे थे इस फैन के 650 रुपये। अब मैं बता देता हूँ, बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना इनके प्राइस को देखने से। आपको लगेगा कि ये प्राइस में डिफरेंस है तो इनमें कुछ फीचर्स वगैरह में भी डिफरेंस होगा, बिल्कुल भी नहीं है भाई। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फैन मिलने वाला आपको, चाहे वो 2500 में मिल रहा हो, चाहे वो 650 रुपए में मिल रहा हो। बिल्ड क्वालिटी सेम रहेगी, फीचर भी सेम रहेंगे, बट यहाँ पर अलग अलग प्राइस में सेलर बेच रहे हैं। मैंने ये 950 रुपए में खरीदा था, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 950 वाली भी। अगर मेरे को 650 वाली भी मिलेगी वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं इस फैन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बॉक्स में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बॉक्स में हमें एक तो ये फैन देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा एक मिल जाती है इसकी टाइप सी केबल, जिससे आप इस फैन को ऑन करोगे, जो कि मेरे बॉक्स में मिसिंग है। और दूसरी चीज जो मिलती है वो इस फैन के साथ मिलती है, वो भी इसमें मिसिंग है। जैसे आप इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पर एक आपको स्पंज देखने को मिल जाता है, और वो स्पंज होता है कि आप उस पर परफ्यूम वगैरह ऐड करके और परफ्यूम की स्मेल ले सकती थी। बट यहाँ पर कोई बात नहीं, आपके पास आपके फोन का या आपके पास कोई भी चार्जर होगा, ये बात ध्यान रखना, जो चार्जर हो वो आपका 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट चार्जर से इसको ऑन ज़्यादा मत करना। तो मेरे पास जो ये चार्जर है ये है 5 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का, तो मैं इससे इसको यूज करूंगा इस फैन को, और मैं इसको पहले भी यूज कर चुका हूं, तो इसका एकदम जेन्युइन रिव्यू आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं कि ये जो फैन है ना आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या वाकई में भाई जो यूट्यूब पर आपको इतने लोग बता रहे हैं कि ये जो फैन है बिल्कुल मिनी एसी की तरह काम करता है, इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फैन की बिल्ड क्वालिटी को लेकर। यहां पर जो आप फैन देख रहे हैं इसकी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है और काफी लाइट वेट है। बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 1000 रुपये से अंदर का फैन है, काफी बढ़िया फैन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक स्ट्रैप भी मिल जाती है, लेदर टाइप की लगती है देखने में, इसको आप हैंग करके भी यूज कर सकते हो। और यहाँ जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर की तरफ, ये इसमें वाटर टैंक दिया हुआ है, तो इसमें आप 600 ml पानी भर सकते हो, ठंडा भर सकते हो, बर्फ़ डालकर इसको यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पीछे से कुछ इस तरीके का है, और आगे की साइड देखेंगे यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये इसका कंट्रोल का सेक्शन है, इससे यहाँ पर आप ऑन कर सकते हो, बाकी सारे फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं ये इसका जो पंखड़ी लगी हुई है वो सेक्शन है, ये कुछ इस तरीके से आप इसको टिल्ट कर सकते हो, तो ये फीचर मेरे को इसमें काफ़ी यूजफुल लगा है, आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ। पीछे इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, तो इसकी हेल्प से आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन ही कर लेते हैं। तो ये जो चार्जर देख रहे हैं आप, मैंने अपने बोर्ड में लगा रखा है और इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही कनेक्ट करते हैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी लाइट जलती है, आपको पता लग जाएगा कि कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, उसमें 600 ml का ये टैंक दिया हुआ है, और ये जो बोतल देख रहे हैं आप 500 ml की मेरे पास बोतल है, तो मैं इस पूरे पानी को इस टैंक में फिल कर देता हूँ। पानी ऐड कर दिया भाई, अब इसके ढक्कन को इसको ऐसे कुछ बंद कर देते हैं, और अब करते हैं इसको भाई हम ऑन। तो यहाँ पर ऑन करने के लिए सबसे पहला बटन दिया हुआ है, और यहाँ पर 3 LED दी हुई है उसके ऊपर, तो मैं जैसे ही आपको उसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो फैन है भाई वो ऑन हो चुका है, और आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं, काफी साइलेंट फैन है। अभी तो मैंने पहली स्पीड पर ही ऑन किया है, अब मैं इसको अगेन प्रेस करता हूँ तो इसकी जो दूसरी स्पीड पर ही ऑन होता है, और यहाँ 2 LED जलती हैं, और तीसरी बार प्रेस करने पर इसमें आपको 3 LED जल जाएंगी, और ये इसकी जो तीसरी है टॉप स्पीड है, अगर अगेन आप प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाता है। अब जैसे कि बताया भाई, यहाँ पर आपको मैंने बताया ये टिल्ट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप ऊपर नीचे करके इसके फेस पर भी काफ़ी ऐसे बैठे बैठे भी हवा ले सकते हो। अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं इसकी, यहाँ पर आप जो दूसरा बटन देख रहे हैं इसके ऊपर भी 3 LED दी हुई हैं, और यहाँ जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो नोजल देख रहे हैं आप, इसकी एक नोजल जो है ऑन हो जाती है, और अगेन आप इसको प्रेस करेंगे तो इसकी 2 LED जलती हैं, और अब 3 नोजल इसकी ऑन हो चुकी हैं, और अगेन आप इसको तीसरी स्पीड पर ऑन करते हैं, इसको मतलब 3 LED ऑन होती हैं, तो इसकी जो 5 नोजल हैं वो स्प्रे करना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो जो ये स्प्रे है पानी का वो काफ़ी अच्छा खासा बाहर निकल रहा है, और अगर मैं हवा की बात बताऊँ तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, मतलब आपको फील करने को मिलेगा। इनकी 5 नोजल ऑन हो जाती हैं तो बहुत ही ठंडी हवा देखने को मिलती है। अब जो 2 बटन बचे हैं, एक इसमें जो बटन दिया हुआ तीसरे नंबर पर, इसमें जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो इसके जो वाटर टैंक है इसमें आपको लाइट देखने को मिलेंगी। 7 कलर में आप इसकी जो लाइट है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आप 7 बार इसके बटन को दबाएंगे
तो इसमें अलग अलग कलर में आपको लाइटें देखने को मिलेंगी। फिलहाल आपको नहीं दिख रही होगी, बट हाँ अगर आप इसको नॉर्मली यूज करेंगे बिना लाइट वगैरह के तो इसकी जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी दिखती है और काफ़ी कूल लगता है भाई देखने में। और मेरा जो फेवरेट इसका फीचर है वो ये है भाई, लास्ट वाला, ये टाइमर दिया हुआ है भाई इस फैन में। अब यहाँ पर भी तीन LED दी हुई हैं और जो तीन LED है ना, जब आप इसको पहली बार प्रेस करेंगे तो जो एक घंटे का टाइमर इसमें सेट हो जाता है, एक घंटे बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। दूसरी बार प्रेस करेंगे दो LED ऑन हो जाती हैं, यानी कि दो घंटे का टाइमर आपका सेट हो चुका है। और अगर अगेन प्रेस करेंगे तीन LED ऑन हो जाएंगी और इसमें आपका तीन घंटे तक आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं, तीन घंटे बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। थोड़ी और हवा ले लूँ मैं। तो ये थे इसके भाई फीचर, काफ़ी कमाल फीचर आपको इस फैन में देखने को मिल जाएंगे। और बाकी भाई हवा, तो भाई अगर मैं हवा की बात बताऊँ ना, तो आपने YouTube पर वीडियो देखी होंगी लोगों की कि बहुत ठंडी हवा देती है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ़ैन है। वाकई में भाई फ़ैन जो है काफ़ी कमाल का है। तो हवा के मामले में मैं बोलूँगा कि सच में ये एक मिनी कूलिंग फ़ैन आप इसको कह सकते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी हवा देने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस फैन की थोड़ी बहुत कमी के बारे में, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई इंसान हो जिसमें अच्छाई होती है उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ भी होती हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी थोड़ी बहुत कमियों के बारे में। तो जो आप देख रहे हैं इस फैन को, यहाँ पर जो पाँच नोजल दी हुई हैं जिनमें से जो वाटर स्प्रे हो रहा है, तो ये क्या है कि पानी के फवारे निकल रहे हैं। तो क्या होता है कि जब अगर इसको टेबल पर रख के यूज करेंगे तो जो पानी के जो फवारे निकल रहे हैं इससे थोड़ा थोड़ा पानी जो है लीक होता रहता है, क्योंकि पानी है तो भाई निकलेगा तो थोड़ा बहुत लीक होगा। और जब आप इसको एक घंटे तक भी चला लोगे, आधे घंटे भी चलाओगे, तो अगर टेबल पर रखा हुआ तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। दूसरी थोड़ी सी एक कमी मेरे को ये लगी है कि इस फैन में कोई भी बैटरी वगैरह नहीं दी हुई है, तो जब भी आप इसको यूज करोगे तो या तो पावर बैंक में इसको लगाना पड़ेगा या फिर अपने बोर्ड में लगा कर इसको यूज कर सकते हो या फिर लैपटॉप के पोर्ट में लगाकर आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आप बैटरी भी मिल जाती तो भाई मज़ा ही आ जाता। तो ये मेरे को दो थोड़ी बहुत कमियां लगी हैं, बट फैन काफ़ी कमाल का है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई भी डाउट मत रखना मन में। अब बात करते हैं दोस्तों इस फैन के बारे में कि इस फैन को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो देखो जैसे अभी टेबल पर रखा हुआ है, अगर आप लैपटॉप वगैरह पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर इसको रख कर और लैपटॉप वगैरह पर काम कर सकते हो, बड़ा ही मज़े आने वाले हैं आपको, ठीक है। कूल तो ये लगता ही लगता है, चार लोग पूछेंगे भाई कि कहाँ से लिया, कैसे लिया, कितने रुपए का लिया, तो भाई मज़ा आ जाएगा देखने में। दूसरा सबसे जो मेरे को अच्छा लगा है इसको यूज करने में वो है भाई किचन में। मेरे हिसाब से इसको आप किचन में सबसे अच्छा यूज कर सकते हैं इस फैन को। बाकी तो भाई आप इसको कहीं भी ले जाओ, वॉशरूम में भी ले जा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल पर पहली बार होता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल। जय हिंद।